दोस्तों 90% लोग अपने फोन के स्टोरेज से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि उनके फोन का स्टोरेज बार बार फुल हो जाता है, फिर ना वो कुछ डाउनलोड कर पाते हैं ना ही कुछ ले पाते हैं। लेकिन गाइस आज उनके लिए एक ऐसी ट्रिक लाया हूँ जिससे वो अपने फोन का स्टोरेज 1000 GB तक बढ़ा सकते हैं। लाइव दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा। कई लोग ये सुन के 1000 GB का नाम ये बोलेंगे, भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये पूरा इम्पॉसिबल है। लेकिन गाइस इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करना ही हमारा काम है। इस वीडियो में मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप इस ट्रिक को ट्राई करना। एंड 101% दोस्तों ये वर्किंग ट्रिक है। मैं सबसे पहले अपने फोन में इसे अप्लाई करूंगा। बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है एंड कमाल की चीज है। तो बस आप इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्टोरेज बढ़ाने के दो ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। पहला जो ट्रिक होगा वो नॉर्मल है, आपके फोन के सेटिंग में हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा ट्रिक होगा वही है दोस्तों सबसे बड़ा ट्रिक जिससे आपके फोन में 1000 GB स्टोरेज बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल ट्रिक बता देता हूँ। उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, अपने फोन के सेटिंग में जाना है। तो हम यहाँ पे अपने फोन के सेटिंग में चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपके फोन में एक सेटिंग होगा जिसका नेम है एप्लीकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आपको इससे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद दोस्तों आपके फोन के जितने भी एप्लीकेशन है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इन एप्लीकेशन में आपको देखना है सबसे ज्यादा स्टोरेज कौन सी ऐप ने लिया है। एग्जांपल के लिए दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो क्रोम ब्राउजर। अब क्रोम ब्राउजर को अगर आप देखोगे गाइस तो इसके स्टोरेज में आते हैं एंड यहाँ पे दोस्तों आप देखिए एप्लीकेशन की जो साइज है वो सिर्फ 200 MB है लेकिन इसने टोटल 1.16 GB ले रखा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितना ज्यादा इसका स्टोरेज बढ़ गया है। यहाँ पे जो 700 MB है वो सिर्फ कैश है, यहाँ पे आप देख लीजिए, जो कि किसी भी काम की नहीं होती। तो आपको इसका जो कैश डाटा होता है ना गाइस उसे क्लियर कर देना है। अब ये तो नॉर्मल ट्रिक है, इसके बारे में काफी लोगों को पता होता है तो इसलिए मैं ये जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये आप करके अपने फोन का थोड़ा बहुत जो स्टोरेज होता है उसे फ्री अप कर सकते हो। ये मैंने एक एप्लीकेशन का बताया। ऐसे दोस्तों आपको अपने फोन में जितने भी एप्लीकेशन है ना सबका हर वीक में करना है। हर वीक में अगर आपका सबका करोगे ना तो आपके फोन का जो स्टोरेज है वो 50% तो भाई ऐसे ही फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये जरूर से जरूर आके यहां पे करना है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी ट्रिक की जो कि सबसे बड़ी है एंड सबसे ज्यादा बोल सकते हो ना कमाल की है। उसके लिए दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, यहां पे आप देख सकते हो। ये एक ऐसी बोल सकते हो ऐप है जो आपके फोन में 1000 GB स्टोरेज बढ़ाने वाली है। तो कैसे पॉसिबल है इसे सबसे पहले ओपन करना। यहाँ पे आप देख लीजिए 1 TB क्लाउड स्टोरेज। ओपन करने के बाद दोस्तों आप इसे अपने गूगल अकाउंट से कनेक्ट कर लेना। यहाँ पे दोस्तों जो गूगल अकाउंट से आप कनेक्ट करोगे ना वो क्यों कनेक्ट करना है मैं आपको समझाऊंगा एंड में, ठीक है। उससे पहले मैं आपको इसे दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम साइन इन विद गूगल के ऊपर क्लिक करते हैं। एक यहाँ से कोई भी अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हो, ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। जरूरी नहीं है आप अपना मेन अकाउंट दो, आप एक नया गूगल अकाउंट दे सकते हो। अब दोस्तों ये देख लीजिए ओपन हो चुका है। अब ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको प्लस का आइकॉन दिखेगा। प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके आप यहाँ पे दोस्तों जो अपलोड फाइल है ना यहाँ पे जाना है, यहाँ पे अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों आपके फोन की जितने भी फाइल्स है वो आपके सामने आ जाएंगी। अब दोस्तों आपके फोन में जितनी भी स्टोरेज है, जैसे जितनी भी फोटोज है, जितनी भी मूवीज है, जितनी भी वीडियोज है ना, उन्हें दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ऐसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उन्हें यहाँ पे अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद दोस्तों होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। होगा ये दोस्तों कि आपके फोन का जो स्टोरेज है वो पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। यहाँ पे आप जैसा कि देख लीजिए हमारे फोन में मतलब कि टोटल 1000 GB स्टोरेज मिला है जिसमें से अभी 2.43 MB यूज किया है क्योंकि एक ही फोटो यहाँ पे मैंने अभी डाला है आपके सामने जो अभी मैंने डाला। तो ऐसे ही अगर आप सभी चीजें यहाँ पे डाल दोगे तो टोटल 1000 GB तक का फाइल्स आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद होगा क्या, आपके फोन का पूरा जो स्टोरेज वो खाली हो जाएगा एंड जो सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है या फिर वीडियोज है फोटोज है वो यहाँ पे आके अपलोड हो जाएंगी। अब यहाँ पे आके अपलोड हो जाएगी दोस्तों, तो अगर आपका ये फोन चोरी भी हो जाता है ना तो अगर कोई और फोन में आप लॉगिन करते हो सेम ईमेल आईडी से तो आपका पूरा का पूरा जो डाटा है ना वापस मिल जाएगा। इसीलिए मैंने बोला ना गूगल अकाउंट क्यों लॉगिन करना है, बहुत ज्यादा काम है। गूगल अकाउंट से बहुत ज्यादा बोल सकते हो आपका बेनिफिट होने वाला है। अब यहां पे मैंने आपको दिखा दिया लाइव दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हो 1000 GB का स्टोरेज मिला है। स्टोरेज 1000 GB आप यहां पे खुद देख सकते हो। मैंने बोला था ना कि यहां पे मैं कुछ भी फेक नहीं बना रहा हूं, मैं जो भी दिखाऊंगा वो लाइव दिखाऊंगा, आप यहां पे खुद देख सकते हो। 1000 GB आप अपने
उनका जो स्टोरेज है उसे बढ़ा सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने करके भी दिखाया है। अब बस आपको करना क्या है, अपनी जो चीजें हैं उसे यहाँ पे अपलोड करना है, अपना जो इंटरनल स्टोरेज है उसे खाली कर देना है एंड पूरा का पूरा यहाँ पे लाके भर देना है, क्योंकि 1000 GB इतना जल्दी फुल नहीं होने वाला। कितना भी आप यहाँ पे कम से कम 1000 मूवी लाके डालोगे तब जाके शायद ये फुल होगा। तो उस हिसाब से अंदाजा लगा लो दोस्तों ये कितना बेहतरीन चीज है। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपने फोन का स्टोरेज 1000 GB तक बढ़ा सकते हो। कई लोग बोलेंगे भाई इसका क्यों यूज करना, हमारे फोन में तो गूगल ड्राइव भी है। मतलब कि यहाँ पे आप देख लीजिए, कई लोग बोलेंगे ड्राइव गूगल ड्राइव है इसका यूज कर लेंगे। तो भाई गूगल ड्राइव में आपको 1000 GB नहीं मिलता, उसमें कम मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको टोटल 1 TB यानी कि समझ सकते हो गाइस 1000 GB का स्टोरेज मिलता है। तो ये दोस्तों मेरे हिसाब से बेस्ट है। अगर आप अपने फोन से परमानेंटली स्टोरेज का सॉल्यूशन चाहते हो तो इसे दोस्तों डाउनलोड कर लो, 101% आपके फोन का स्टोरेज कभी फुल नहीं होगा। अब कई लोग बोलेंगे यहाँ पे 1000 GB हम भर देंगे तो इस एप्लीकेशन का साइज भी 1000 GB हो जाएगा। नहीं गाइस, ये एप्लीकेशन का साइज जितना है ना उतना ही रहेगा, इसका साइज इंक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा पूरा का पूरा यहाँ का साइज। यहाँ पे आप देख लीजिए इस एप्लीकेशन के अंदर का, ठीक है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो आपको 1000 GB स्टोरेज मिल चुका है। अब आप अपने फोन में अनलिमिटेड चीजें रख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।